नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज के विषय पर चर्चा करने के पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करना चाहता हूं, और अपील ये है कि सत्यहिंदी.com को आपके जुड़ाव से और आपकी मदद से, आपकी सहायता से हमें बहुत बल मिलता है। आप जब हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमें सच कहने की ताकत और बढ़ जाती है, हमारा आपका जुड़ाव और मजबूत हो सकता है। अगर आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे और अपना सहयोग देंगे तो हमें बहुत बहुत मदद मिलेगी। और आज के इस समय में जबकि सच कहना मुश्किल हो रहा है, सच कहने की ताकत है। और अब बात करते हैं आज के विषय की। हम आप जानते हैं कि राजनीति घटिया होती है, लेकिन क्या राजनीति इतनी घटिया होती है इसका आपको अंदाजा है? पिछले 56 दिनों से पूरे देश को मालूम है कि किस तरीके से बेचारा गरीब मजदूर वो पैदल चला जा रहा है। वो तस्वीरें जो हमारे और आपके दिल को दहला देती हैं, वो तस्वीरें जो हमें से बहुत से लोगों के आंखों में आंसू ला देती हैं, वो तस्वीरें जो किसी भी सभ्य समाज के माथे पर एक कलंक है, वो तस्वीरें जो किसी भी सरकार के लिए शर्मनाक हो सकती हैं, शर्मनाक हैं। लेकिन हमारे देश के राजनेताओं का जो दिल है वो पसीजता नहीं है। वो हर मौके पर गिद्ध की तरीके से राजनीति करना चाहते हैं और हर मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। ताजा उदाहरण है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के अंदर बसों का मसला, प्रियंका गांधी ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से 1000 बसेस उत्तर प्रदेश की सरकार को देने का एक रिक्वेस्ट किया कि अगर आप चाहें तो हम आपको 1000 बसेस दे सकते हैं ताकि इन गरीब मजदूरों को सड़क के रास्ते से उनके अपने गंतव्य तक, अपने घरों तक पहुंचाया जा सके। ये चिट्ठी 16 तारीख की थी। 16 बीत गई, 17 बीत गया, 18 बीत गया, 19 बीत गया और अब 20 भी बीतने वाला है या बीत गया है। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जब आप हमारा कार्यक्रम देख रहे होंगे तो हो सकता है 20 भी बीत जाए। लेकिन वो बसें जहां खड़ी थी वहीं खड़ी रही, उन बसों का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ और आखिरी खबर मिलने तक उन बसों को कांग्रेस ने विड्रॉ कर लिया है। अब सवाल यह उठता है कि जो बसें गरीब मजदूरों के लिए, गरीब मजदूरों को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाती, जिनमें हजारों मजदूर एक जगह से दूसरी जगह अपने घर चले जाते, उनको पैदल नहीं चलना पड़ता, उनको इस धूप में नहीं घिसकना पड़ता, उनकी तकलीफ कम हो सकती थी, वो बसें विड्रॉ क्यों कर ली गई? क्या कारण है इसके पीछे? मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा और उसके बाद राजनेताओं के प्रति अगर आपके मन में वितृष्णा न पैदा हो, उनके प्रति नाराजगी, आक्रोश, रोष न पैदा हो, तो आप जो है इस बात को गहराई से नहीं समझे। और मैं ये बड़ी गंभीरता के साथ इस बात को करना चाहता हूं और मैं आज सारे कागजात लेकर आपके सामने आया हूं। ये पहली चिट्ठी है जो 16 मई को लिखी गई। 16 मई को आपने ध्यान दिया, इसमें लिखा हुआ है कि 500 बसें गाजीपुर बॉर्डर गाजियाबाद और 500 बसें नोएडा बॉर्डर से चलाना चाहते हैं। सोनिया गांधी, माफ करिएगा, प्रियंका गांधी वाड्रा, ये उनका यहां पे लिखा हुआ है, उनका सिग्नेचर है यहां पे। यानी 16 तारीख को उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहा कि हम आपको 1000 बसें दे सकते हैं, ये गाजियाबाद बॉर्डर से चल सकती है, नोएडा बॉर्डर से चल सकती है और मजदूरों को ले जा सकती है। इस चिट्ठी की कोई तवज्जो नहीं ली गई। 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख को अचानक जो है, दो दिन के बाद वहां के जो गृह सचिव हैं, एडिशनल होम सेक्रेटरी अवनीश कुमार अवस्थी, उनकी चिट्ठी जो है वो सोनिया गांधी के जो सचिव हैं संदीप सिंह, उनको लिखते हुए कहते हैं कि आपने जो प्रस्ताव दिया है वो प्रस्ताव हमें स्वीकार है और अविलंब आप इन, ये जो ये अविलंब 1000 बसों की सूची चालक परिचालक का नाम अन्य विवरण सहित उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे उनका उपयोग प्रवासी श्रमिकों की सेवा में किया जा सके। ये चिट्ठी है अविनाश अवस्थी, गृह सचिव, यानी जो प्रस्ताव प्रियंका गांधी ने दिया उस प्रस्ताव को उन्होंने स्वीकार किया और साथ ही साथ कहा कि इन बसों की सूची में दे दी जाए, ड्राइवर दे दिया जाए, परिचालक का नाम दे दिया जाए, कुछ दूसरे विवरण के साथ आप हमको भेज दीजिए। ऐसा लग रहा था सब कुछ बहुत ठीक ठाक चल रहा है। और उसी दिन 18 तारीख को ही संदीप सिंह ने लेटर लिखा
और कहा कि आपने हमसे बसों की सूची, चालक का नाम, परिचालक का नाम, अन्य विवरण को मांगा है। 1000 बसेस की सूची इस ईमेल के साथ अटैच की गई है। इसमें से कुछ चालकों का दोबारा वेरिफिकेशन कर उनकी सूची भी कुछ घंटों में आप तक पहुंचाई जाएगी। आशा है आप जल्द से जल्द इन बसों के लिए अनुमति। यानी ये तीसरी चिट्ठी थी जो दोनों के बीच में आदान प्रदान हुई। ये चिट्ठी संदीप सिंह प्रियंका गांधी के सचिव ने लिखी थी। अभी भी चीजें सब कुछ स्मूथ लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि इन बसों का इस्तेमाल होगा। लेकिन उसके बाद एक नाटकीय बदलाव आया। नाटकीय परिवर्तन क्या आया? ये जो चिट्ठी है ये अवनीश अवस्थी की चिट्ठी, चौथी चिट्ठी, जिसमें आप देख रहे हैं सरकारी पूरा मोहर लगी हुई है, उनका सिग्नेचर है यहां पे, यहां अवनीश कुमार अवस्थी लिखा हुआ है, अपर मुख्य सचिव लिखा हुआ है, गृह वीजा पासपोर्ट इत्यादि लिखा हुआ है, 18 मई 2020। अब इसमें क्या लिखा हुआ? कृपया समस्त बसों सहित उनका फिटनेस सर्टिफिकेट, चालक के ड्राइविंग लाइसेंस के साथ साथ परिचालक का पूर्व विवरण, पूर्वाहन 10 बजे यानी सुबह 10 बजे, स्थान वृंदावन योजना सेक्टर 15-16 में जिलाधिकारी लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अब ये लखनऊ में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। बसेस के बारे में क्या कहा जा रहा कि गाजियाबाद और नोएडा के बॉर्डर पर यहां से लेके जाएंगे, लेकिन जो महोदय हैं इनका कहना है कि पहले बसेस लखनऊ जाएंगी, लखनऊ में जाने के बाद उनका वेरिफिकेशन होगा, सारे कागजात चेक किए जाएंगे और उसके बाद ही ये बसेस चलेंगी। अब कोई भी आदमी जिसको थोड़ी सी भी प्रशासनिक समझ है वो इस बात को अच्छी तरीके समझ सकता है कि इस तरीके की चिट्ठी पहली बात तो लिखी नहीं जानी चाहिए। क्यों नहीं लिखी जानी चाहिए? क्योंकि हर जिले के अंदर, हर शहर के अंदर एक आरटीओ का दफ्तर होता है, नोएडा में भी है, गाजियाबाद में भी है। अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया कि इन बसों को हम गाजियाबाद के बॉर्डर पे और नोएडा के बॉर्डर पर हम उपलब्ध करा रहे हैं और यहां से हम चलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो यहीं पे नोएडा का जो आरटीओ है वो इन बसों की चेकिंग करके, वेरिफिकेशन करके, अगर उसमें कुछ त्रुटि है या त्रुटि नहीं है तो उसका हिसाब करके उनको बता देता। अब इन बसों को गाजियाबाद नोएडाबाद से लखनऊ ले जाने के, यानी 500 किलोमीटर दूर ले जाने का क्या मतलब है? खाली बसें, ये महत्वपूर्ण बात है। इसके पीछे की मंशा क्या है, क्यों ऐसी चिट्ठी लिखी गई है? ये अधिकारी महोदय कोई नए आईएएस ऑफिसर नहीं है, कोई नए भर्ती नहीं हुए हैं, नए रंग रूट नहीं है, इनका कम से कम सर्विस में 30 साल का अनुभव होगा, कम से कम 27-28 साल का तो अनुभव होगा ही होगा, और इतने ऊंचे पदों पर बड़े शक्तिशाली माने जाते हैं। ये इन बसों को लखनऊ क्यों बुला रहे हैं? इस बात को समझने की जरूरत है। जाहिर सी बात है जब ये चिट्ठी सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के सचिव को मिली तो उनका भड़कना स्वाभाविक था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उन्होंने चिट्ठी लिखी, यही चिट्ठी है, और ये चिट्ठी कितने बजे मिली है? इस चिट्ठी से इस बात का खुलासा होता है जो संदीप सिंह ने लिखी है, जो प्रियंका गांधी की है, कि ये रात को 11:40 पर संदीप, यानी प्रियंका गांधी के सचिव को रात को 11:40 चिट्ठी मिलती है 18 तारीख की रात को, और उनसे कहा जाता है कि आप सारी बसेस को सुबह 10 बजे आप लखनऊ पहुंचा दें, हैंड ओवर कर दें सुबह 10 बजे। अब इसमें जरूर कुछ आपत्तिजनक बातें संदीप सिंह ने लिखी, जैसे उनको ये शायद इस तरह इस भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि 1000 खाली बसों को लखनऊ भेजना न सिर्फ समय और संसाधनों की बर्बादी है बल्कि हद दर्जे की अमानवीयता है और एक घोर गरीब विरोधी मानसिकता की उपज है। ये सेंटेंस अपने आप में ऑफेंसिव सेंटेंस है, उनको इस सेंटेंस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उनको एक पोलाइट लेटर लिखना चाहिए, तो कहना चाहिए था कि आपने जो ये हमको लखनऊ बसों के भेजने की बात कही है ये ठीक नहीं है और ये व्यवहारिक भी नहीं लगता है, लिहाजा आप हमको गाजियाबाद में या नोएडा पे, जहां पर भी आप चाहें पड़ोस में, वहां पे आप इन बसेस की वेरिफिकेशन को या वहां जिसको रिपोर्ट करना वो हमको बता दें ताकि हम वहां पे कर लें। अब यहां से राजनीति अब शुरू हो जाती है, भयंकर राजनीति, वो राजनीति शुरू हो जाती है जिसको देखकर सुनकर आपको नफरत राजनीति से होनी चाहिए, और ये मन में भाव उठना चाहिए कि क्या हमारे देश के राजनेता ऐसे हैं, और यही लोग क्या उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालेंगे और क्या देश की बागडोर संभालेंगे? और ये दोनों पे लागू होता है, कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी लागू होता है, बीजेपी पर भी लागू होता है। अब इसके जवाब में अगले दिन
चिट्ठी जो है वो अवनीश कुमार अवस्थी जी कहते हैं, अच्छा ठीक है आप नहीं पहुंचा सकते तो नहीं पहुंचा सकते, तो ऐसा करते हैं कि 12 बजे दिन तक आप नोएडा और गाजियाबाद में ही अपनी बसेस को आप वो करा दीजिए। बात आई गई होगी, चलिए लगा कि मामला सुलट जाएगा, कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहां से पूरा खेल पूरी तरीके से पलट जाता है। अब आप समझिए कि इन बसों को गाजियाबाद और नोएडा में आकर इनका वेरिफिकेशन होना है और उसके बाद इनको लगाया जाना था। हुआ क्या, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से जो बसेस कांग्रेस लेकर आ रही थी उसको आगरा के बाहर ही रोक दिया गया। उन बसेस को अंदर आने की अनुमति ही नहीं दी जा रही थी कि वो गाजियाबाद और नोएडा पहुंचे। आपने तस्वीरें देखी होंगी जहां कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो वहां पे धरने में बैठेंगे। ये देखिए ये चिट्ठी है जहां पे कहते हैं कि भाई कुछ बसें राजस्थान से आ रही है, कुछ दिल्ली से आ रही, इनके लिए दोबारा परमिट मिलने की कार्रवाई जारी है, शाम 5 बजे तक पहुंचा दिया जाएगा। ये चिट्ठी। अब वहीं पे गाड़ी रुक गई, पर गाड़ी जो रुकी है तो गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ रही। आपने वो तस्वीर देखी होगी जिसमें एक पुलिस वाला कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष से कह रहा कि भाई हमारे पास कोई परमिट नहीं, हमें पीछे से आदेश नहीं है। अब अगर आदेश नहीं है तो ये जो महोदय हैं अवनीश अवस्थी जी, जिनकी ये चिट्ठी जो पहली वाली चिट्ठी है, उन्होंने कहा है कि आपके प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। जब प्रस्ताव स्वीकार कर लिया आपने और आपने कहा कि बसों को आप लखनऊ पहुंचा दीजिए, तो फिर आगरा में बस को रोकने का कारण क्या, ये मेरी समझ में नहीं आता। इसका सिर्फ एकमात्र कारण हो सकता है विशुद्ध राजनीति। और अगर मान लीजिए वहां का जो ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर, अगर उस पुलिस ऑफिसर के पास कोई कागजी कागज नहीं है तो जब ये मामला वहां पे उठा तो उसको फौरन जानकारी दे दी जानी चाहिए प्रदेश की तरफ से या सरकार की तरफ से। लेकिन वो जानकारी नहीं दी गई। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया और वो बसें वहीं पे खड़ी रही। यही नहीं, कांग्रेस के जो अध्यक्ष है अजय कुमार लल्लू, उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया, हिरासत में ले लिया। उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया और गिरफ्तार करने तक ही बात खत्म नहीं हुई। उसका विवरण में थोड़ी देर में अभी आपको देता हूं। अब जब इन्होंने कहा कि 5 बजे तक पहुंचाए जाएंगे, जो वहां से नहीं निकली गई, तब इन्होंने संदीप सिंह ने एक आखिरी चिट्ठी लिखी और कहा कि 3 घंटे से उत्तर प्रदेश के बॉर्डर ऊंचा नांगला पर खड़े हैं, लेकिन आगरा प्रशासन हमें अंदर घुसने नहीं दे रहा। हम एक बार फिर आपसे कहना चाहते हैं कि यह वक्त संवेदनशीलता दिखाने का, तत्काल हमारी समस्त बसों को अनुमति पत्र भेजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। जब ये सारी चीजें चल रही थी उस वक्त सोशल मीडिया पर कैंपेन शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा और कुछ दूसरे लोगों ने बाकायदा हैशटैग लगा के चलाना शुरू कर दिया कि भाई ये बस घोटाला, कांग्रेस बस घोटाला चल रहा है ये। और कहा जाने लगा कि कुछ जो बसें हैं इनके जो कागजात हैं वो टेम्पो के कागजात हैं, एम्बुलेंस के कागजात हैं और तमाम चीजों के कागजात हैं। ये बात हो सकती है कि टेम्पो के कागजात हों, कांग्रेस पार्टी की तरफ से गलती हो सकती है, कांग्रेस पार्टी ने जानबूझ के गलती की हो या उन्होंने बकवास किया, कुछ भी किया, एक अलग मसला है। सवाल यह कि जो बसेज हैं वो तो दिखाई पड़ रही सामने, बस कोई छोटी सी चीज तो होती नहीं, वो बड़ी बसें होती हैं, उनकी दिखाई पड़ रही है कि वहां 500 बसेस की जगह वहां टेम्पो, ऑटो, एम्बुलेंस, टू व्हीलर, साइकिल, रिक्शा तो खड़ा नहीं वहां पे। तो अगर आपको लगता है कि कागजात में कुछ गड़बड़ है तो उस कागजात को दोबारा वेरीफाई करा लेते हैं या बोल देते भाई आपके कागजात में त्रुटियां हैं, आप इसको ठीक करा लीजिए। लेकिन नहीं, हालत कहां तक पहुंची कि उत्तर प्रदेश के मुख्य डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा वो उतर गए, 2 और मंत्री उतर गए, इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माहौल बनाने का पूरा प्रयास किया कि भाई कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी राजनीति चमकाने में लगी हुई है और इस राजनीति चमकाने की वजह से वो इस तरीके का खेल खेल रही है और फर्जी बसेस के कागजात दिए जा रहे हैं। क्योंकि इन बसेस की कोई फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, इनके पास जो है कुछ ऐसी बसें हैं जिनके कागजात ठीक नहीं है, कुछ ऐसे बसेस हैं जिनका इंश्योरेंस पेपर ठीक नहीं है, तो लिहाजा हम इनको परमिशन नहीं दे सकते। 19 तारीख निकल गई, गाड़ियां वहां पे खड़ी हैं,
उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय अजय कुमार लल्लू गिरफ्तार हो चुके हैं। इतने ही नहीं, प्रियंका गांधी के सचिव संदीप सिंह के खिलाफ FIR भी दर्ज हो गई लखनऊ के अंदर। FIR किस लिए? कि भाई इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है। फर्जीवाड़ा क्या किया है? कि ये जो कागजात हैं उनमें फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, धोखा देने का प्रयास किया गया है। अब ये धोखा देने का जो प्रयास किया गया है, इस संदर्भ में मैं आपको एक और कागजात दिखाना चाहूंगा, और वो जो कागजात है वो कागजात रखा होगा, उस कागजात में स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह आदेश दे रखा है कि अगर फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियों की नहीं है, अगर उनका इंश्योरेंस पूरा नहीं है, अगर ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, तो उस वैसी स्थिति के हिसाब से 30 जून तक ये माफ किया जाता है। ये कागजात जो मेरे पास है, राजेश कुमार सिंह प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन, 2 अप्रैल 2020 का यह आदेश है, जिसमें लिखा हुआ 1989 के अंतर्गत वाहन की फिटनेस, सभी प्रकार के परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन व अन्य संबंधित अभिलेख जिनकी वैधता दिनांक 01 फरवरी 2020 से दिनांक 30 जून 2020 तक की अवधि में समाप्त हो रही है, उन सभी दस्तावेजों की वैधता दिनांक 30 जून 2020 तक मानी जाएगी। यानी ये अगर मान लीजिए फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है इंश्योरेंस, पहली बात तो अगर नहीं है तो ये जो आदेश है उस आदेश के हिसाब से 30 जून तक उसकी वैधता है। अब मैं ये भी मान लेता हूं कि ये वैधता जो उसके पहले खत्म हो गई, अगर मान लीजिए खत्म हो गई, तो ऐसी बसेस को आप एक किनारे रख सकते हैं, बाकी बसेस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ तो उसमें से ठीक होगी, और कितनी ठीक है इसकी भी जानकारी उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने 20 तारीख की शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे दी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि 460 बसेस जो है, मैंने सोनिया प्रियंका गांधी की तरफ से 1000 बसेस दी गई, टोटल 1040 के आसपास उसका आंकड़ा है। दिनेश शर्मा जी जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, पावरफुल आदमी माने जाते हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके पास इतना वक्त है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, कि 460 बसेस फर्जी हैं। फर्जी क्यों? क्योंकि उनका फिटनेस सर्टिफिकेट ठीक नहीं, या उनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं, या उनका फिटनेस सर्टिफिकेट एक्सपायर कर गया। 460। फिर कहते हैं 98 ऐसी बसेस हैं जिनके कागजात या तो एम्बुलेंस के कागजात हैं, या ऑटो के कागजात हैं, या बाइक के कागजात हैं, या कुछ और है। 68 ऐसी बसें जिनका कोई कागजात ही नहीं है। अब इन सबों को अगर ईमानदार होता प्रशासन, तो 16 तारीख की शाम को ही इन सारे कागजात की वेरीफाई करके और कहता कि भाई देखिए इन कागजातों में गलती है, आप 2 दिन के अंदर इनके कागजात जो है वो ठीक करके हमको दे दीजिए, अगर आप ठीक ठाक दे देंगे तो हम इन बसेस को चलाएंगे, नहीं तो नहीं चलाएंगे। लेकिन अब उप मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि 626 बसें तो इनवैलिड हो गई। अब मान लीजिए 626 बसें इनवैलिड हो गई, अगर 1040 बसेस कांग्रेस की तरफ से दी गई, उसमें 626 बसेस अगर इनवैलिड हो गई, तो बची कितनी? 414। इसका मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार, वहां के डिप्टी सीएम खुद इस बात को मान रहे हैं कि 414 बसें जो हैं ये वैलिड हैं, वेरीफाइड हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इन बसेस को चलाने में दिक्कत क्या है? ये बसेस तो चल सकती थी। मान लिया कि ये बसेस गड़बड़, 626 बसेस गड़बड़ है, इन 414 बसों को चलाने में क्या प्रॉब्लम? अगर ये 414 बसें अगर चलती, भले ही सोनिया गांधी ने दियो, प्रियंका गांधी ने दियो, मंगल ग्रह से आई हो या कहीं और से आई हो, अगर ये ठीक है, अगर ये चलती तो गरीब मजदूरों को ही तो लेकर जाती, या कुछ और लोग जाते इसमें, और अगर गरीब मजदूर ही जाते तो भला किसका होता? लेकिन गंदी राजनीति, और ऐसी गंदी राजनीति कि जब दुनिया इस वक्त कोरोना से कराह रही है, और हिंदुस्तान की जो तस्वीर इस वक्त दुनिया के अंदर है वो ये कि 56 दिन के अंदर हम गरीब मजदूरों, हमारे यहाँ के जो गरीब मजदूर हैं वो हजार हजार किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, वो तस्वीरें जो किसी का भी कलेजा फाड़ती, लेकिन बजाय उन गरीब मजदूरों की मदद करने के लिए जो बसें खड़ी हैं
उन बसे पे गंदी राजनीति की गई है। और माफ करिएगा योगी आदित्यनाथ जी, ये राजनीति आपके नेतृत्व में हुई है। आप कुछ भी कहें, भले ही प्रियंका गांधी ने इसके पीछे राजनीति की, भले ही प्रियंका गांधी आपको एम्बेरेस करना चाहती थी, भले ही प्रियंका गांधी इसके माध्यम से संदेश देना चाहती थी कि बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर काम नहीं कर रही, गरीबों मजदूरों की चिंता उसको नहीं है, लेकिन अगर आपने पहले दिन 16 तारीख को जब आपके पास चिट्ठी मिली थी, उसी दिन आप कह देते हैं कि नहीं थैंक यू मैडम, आपने आपकी चिट्ठी मुझे मिली, उत्तर प्रदेश सरकार के पास पर्याप्त बस है, हमें आपके बस की जरूरत नहीं, मामला वहीं खत्म हो जाता, आगे मामला बढ़ता ही नहीं। और अगर आप नहीं कह पाए, जब आपने स्वीकार कर लिया उनका प्रस्ताव, तो प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद अगर अब 5 दिन तक अगर ये एक्सरसाइज चल रही है, ये प्रमाणित करने का प्रयास किया जा रहा है कि दरअसल प्रियंका गांधी राजनीति कर रही हैं और सारा फर्जी घोटाला किया जा रहा है और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एक घोटाले का नाम दे रहे हैं, तो फिर प्रियंका गांधी को भी इसमें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर घोटाला किया है, अगर देश की आंखों में अगर धूल झोंकने का काम किया है, ऐसा आप मानते हैं, और इसी वजह से संदीप सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और अजय कुमार लल्लू को गिरफ्तार किया गया है, अगर इन लोगों ने घोटाला किया है, फर्जीवाड़ा किया, FIR हुई, तो फिर ये सारा घोटाला प्रियंका गांधी शुरू होता, फिर आप उनको गिरफ्तार करने की हिम्मत दिखाइए। लेकिन मुझे मालूम है कि ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस देश की राजनीति का यही स्वरूप है, और इसी वजह से 56 दिनों के बाद भी आज भी गरीब मजदूर पैदल चल रहा है। लेकिन यहां संपन्न वर्ग अगर कोई हो जाए, अगर कोटा में जो छात्र हैं उनके खिलाफ मैं कोई बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन छात्रों को निकालना हुआ तो आपने खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम बातें कही हैं, और यह कहा गया है कि हमने देखिए किस तरीके से वहां बसेस को भेज के राजस्थान से उन लोगों को निकाल लिया, और तब किसी ने बसेस की फिटनेस चेक नहीं की। जब हरिद्वार के अंदर जब कुछ गुजरात के लोग फंसे हुए थे तो उनको भी इसी तरीके से बस भेज के निकाल लिया गया। लेकिन इस देश का गरीब मजदूर पिछले 56 दिनों से पैदल चल रहा है, और पिछले 5 दिनों से आप सिर्फ ये साबित करने में लगे हुए हैं कि ये बसें अनफिट हैं, और इन बसों का कोई अगर चलेंगे तो खतरा है। आप शायद ये भूल जाते हैं कि औरैया के अंदर जो दुर्घटना हुई थी उसमें जरूर कांग्रेस के राजस्थान की सरकार की गड़बड़ी थी कि उन्होंने जबरदस्ती उस टेम्पो में लोगों को भरा था, लेकिन 500 किलोमीटर राजस्थान बॉर्डर से औरैया तक आने में किस पुलिस थाने ने चेक किया था उसको, और क्यों नहीं उसको उत्तर प्रदेश के अंदर घुसते ही उसको चेक किया? अगर वहां चेक कर लिया गया था, वहीं पकड़ लिया गया तो एक्सीडेंट नहीं होता। तो दिक्कत बहुत है, और इन सब चीजों को समझने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि जो हमारे दर्शक इन सब चीजों को देख रहे हैं वो इस बात को समझ लें कि इस देश के नेताओं से अब उम्मीद करना बेकार है। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।